प्रोसीजर्स टू वर्कआउट डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज। तो हमारी फर्स्ट ड्राइव क्वांटिटी है वेट। तो आज सबसे पहले हम वेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेट क्या होता है हमारे पास? वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और सिंपली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी वेट एक टोटल फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। या इसको और सिंपल रखने के लिए हम इसके फॉर्मूला को भी यूज करके इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वेट का ऐसा यूनिट है हमारे पास न्यूटन। अच्छा, तो आए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास मेथड टू कैलकुलेट वेट। टू वर्क आउट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन आइदर यूज अ न्यूटन मीटर ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग बैलेंस। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है तो या तो हम न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस यूज कर ले, या तो हमें उसे खुद कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास कैलकुलेट करने के उसे क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट, मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी सबसे पहले हमें जिस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है उसका हमें मास मेजर करना होगा किसी भी मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और उसके बाद मल्टीप्लाई द ऑब्टेंड मास विद द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो उसके बाद जो हमने मास मेजर किया है उसे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस तरह हमने ऊपर फॉर्मूले में देखा कि W इज इक्वल टू mg। तो m जैसे कि हमने अपने फर्स्ट स्टेप में देखा, हम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो हर एक प्लेनेट की कांस्टेंट होती है। तो जो अर्थ में हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मोर एक्यूरेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कभी भी जब हम मास को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेट आ जाता है। इसके अलावा अगर हम न्यूटन मीटर को कंसीडर करें तो न्यूटन मीटर भी हमें यही प्रोसीजर डायरेक्टली अप्लाई करके देता है। जिस तरह अगर यहाँ पर हम सारे डिविजन्स देखें तो ये सारे डिविजन प्रोडक्ट है मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के। तो अगर इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हमारे पास 4 किलोग्राम होता है तो ये हमें 40 न्यूटन इसको शो करता है। 4 को मल्टीप्लाई बाय 10 करके ये 40 न्यूटन हमें शो करता है। तो ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है। अच्छा, तो आए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी जिसे हमें कैलकुलेट करना है वो है हमारे पास वॉल्यूम। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन फर्दर आए सबसे पहले हम वॉल्यूम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक एरिया में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह घेरी हुई है उससे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अच्छा, तो अब हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। एक टाइप है ऑब्जेक्ट की रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, और दूसरी टाइप है इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो रेगुलर शेप का वॉल्यूम निकालना हमारे पास ज्यादा इजी होता है इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट से। तो ये कैसे? तो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट में हमें सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की सारी लेंथ मेजर करनी होती है, जिसके बाद उन लेंथ को हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में डाल के वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहां तक वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात है तो दुनिया में किसी भी शेप का हमारे पास बेसिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाई। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करके और डिफरेंट करेक्शन फैक्टर्स अप्लाई करके इसी फॉर्मूले पे हम डिफरेंट शेप्स के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मगर इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, और वो है स्फीयर का। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 4/3 πr³। तो स्फीयर के अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं बेस एरिया इनटू हाइट के फॉर्मूले को अप्लाई करके और इसमें कुछ करेक्शन फैक्टर्स लगा के। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। अच्छा, तो आया अब हम अपने इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, और हर एक प्रोसीजर के अंदर हमें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ताकि हम किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सके। तो आया अब हम अपना प्रोसीजर नंबर 1 देखते हैं। तो अगर हमें प्रोसीजर 1 यूज करके वॉल्यूम निकालना है तो हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहले हमें एक वाटर फिल्ड बीकर चाहिए होगी जिसमें हम वाटर का वॉल्यूम नोट करेंगे और उसको मार्क करेंगे एज इनिशियल वॉल्यूम। तो बीकर में इनिशियल वॉल्यूम मार्क करने के बाद हम अपना इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट लाएंगे और उसे एक थ्रेड से टाई कर देंगे, और उसके बाद इसे हमारे वाटर फिल्ड बीकर के अंदर डिप करना है। तो जैसे ही हम डिप करेंगे हमारे पास वाटर लेवल राइज करेगा। तो अगेन इस वॉल्यूम को हमें नोट करना है और मार्क करना है एज फाइनल वॉल्यूम। तो जब हमारे पास हमारा फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम आ चुका होगा तो हम हमारे फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसे हम हमारे इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो आए अब हम अपना सेकंड प्रोसीजर देखते हैं। तो सेकंड प्रोसीजर जिसको भी यूज करके हम किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो यूजुअली जो हमारे पास फर्स्ट प्रोसीजर था वो स्मॉल इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए काम आता है,
मगर अगर हमारे पास कोई लार्ज इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है और उसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड यूज करते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले हमें एक डिस्प्लेसमेंट कैन लेना होता है और उसमें उसकी टैप की एज तक हमें वाटर फिल कर देना होता है, जिस तरह हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमने उसकी टैप की एज तक वाटर फिल कर दिया है। तो इसके बाद हमें केयरफुली इसके अंदर हमारा इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट डिप करना होता है ताकि इसके अंदर वाटर लेवल राइज हो। तो जैसे ही वाटर लेवल राइज होना शुरू होगा हमारे पास यहाँ पर पानी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर के लिए हमें पानी को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ड्रॉप होने देना है। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट कैन से वाटर गिरना रुक जाए तो हमें मेजरिंग सिलेंडर में वाटर की रीडिंग मार्क करनी है और अपने पास नोट करनी है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर में आया है वो इक्वल है हमारे इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के जो हमने डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर डिप किया था। सो गाइज, यहाँ पर हमारा थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव और सेकंड टॉपिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग डिवाइसेस एंड होता है। उम्मीद है आज आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो गाइज, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।